हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको मैथोलॉजी फॉर एक्सप्रेशन। बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको डिसमेंटल ऑफ ग्रेड स्लेब, इस वीडियो में बताएंगे आपको मैथोलॉजी फॉर एक्सप्रेशन, उसमें मैथोलॉजी ऑफ ग्रेड स्लेब डिसमेंटलिंग था। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, एंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज परमिट, ठीक है ना। सेम वही पॉइंट जो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारे पास जो परमिट है वो अवेलेबल है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द साइट शैल बी क्लियर फॉर रबिश ऑफ ऑल काइंड्स, रॉक्स, ट्रीज, डस्ट, ऑल मड्स, वुड, ग्रास, अदर रैंक वेजिटेरियंस, ठीक है। यानी जो साइट है वो क्या क्लियर है, उसको क्लियर करना है सबसे पहले। उसमें रॉक्स नहीं होना चाहिए, ट्रीज वगैरह, डर्ट, ऑल काइंड ऑफ मड्स, ठीक है, वुड वगैरह नहीं होना चाहिए, घास नहीं होनी चाहिए उसका लेआउट करने के लिए, ठीक है ना। और दूसरे टाइप के वेजिटेरियंस, पेड़ पौधे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं डेढ़ फिट के, वो सब साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए साइट। और क्लियर करना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर कोई सांप बिच्छू वगैरह ना हो, आदमी काम करेगा तो उसको काट सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट, बिफोर स्टार्ट द वर्क, काम शुरू करने से पहले ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज शैल बी रिमूव, शुरू करने से पहले सारी की सारी सर्विसेज वहाँ से रिमूव कर देनी है हमको, ठीक है, टर्मिनेट कर दी है, रीरूटिंग कर दी है, उनका रास्ता चेंज करना है, ठीक है। अगला पॉइंट में, वी शैल ले आउट वन और मोर परमानेंट बेंच मार्क, हमें सबसे पहले वहाँ बेंच मार्क होना चाहिए, जब हम एक्सप्रेशन करेंगे तो उसका लेवल देखेंगे स्टाफ लेवल से, तो उसका वहाँ पर बेंच मार्क, एक परमानेंट टेम्परेरी बेंच मार्क होना चाहिए, ठीक है। हम उसको परमानेंट नहीं कह सकते, हमको इसको टेम्परेरी कह सकते हैं हम, ठीक है, टेम्परेरी बेंच मार्क। परमानेंट बेंच मार्क क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इन मोर सेंट्रल प्लेसेस, एक ऐसी जगह पे जहां पर जहां से सारा का सारा लेवल चेक हो जाए, बिफोर स्टार्ट द वर्क, काम शुरू करने से पहले। बैरिकेड ऑफ द एक्सवेटेड एरिया, जिसको हमने एक्सवेशन कर लिया है उसको हमें बैरिकेड करना है। शैल बी डन सच एज वर्क प्रोसीड, जब हम काम शुरू करके खत्म करते हैं तो वहां पर हमने उसको एक्सक्रेशन एरिया को हमें बैरिकेशन कर लेना है, ठीक है। फ्लैग मैन शैल बी डिप्लॉयड विद ऑल मैकेनिकल एक्सक्रेशन, ये तो हर स्टेप में रखना है, जो भी मैकेनिकल एक्सक्रेशन हो रहा है या मैकेनिकली कोई भी काम हो रहा है तो वहां पर एक फ्लैग मैन जरूर होना चाहिए सिग्नल देने के लिए। एक्सक्रेशन इक्विपमेंट्स एंड डंप ऑपरेटर टू गाइड द ट्रैक्टर, अगर जो ऑपरेटर जो हमारा ट्रैक्टर ऑपरेटर है उसको गाइड करता रहे फ्लैग मैन। डंपिंग ऑफ अनसुटेबल मटेरियल, जो अनसुटेबल मटेरियल है उसको हमें कहाँ डिस्पोज करना है, डिस्पोजल पॉइंट पर जाकर, ठीक है। एंड मटेरियल फिट फॉर बैकफिलिंग, अगर कोई मटेरियल फिट फॉर बैकफिलिंग है यानी उसको हम बैकफिलिंग कर सकते हैं तो उसको स्टैक करना सेपरेटली सुटेबल एग्रीड लोकेशन पर, जहाँ पर हम क्लाइंट को दिखाएं, हमारे जो सीनियर हैं उनको दिखाएं, वो बता दें हाँ ये ठीक है, ओके है, यहाँ पर आप डिस्पोज कर सकते हो। अगला पॉइंट है, वेर एवर द चांस ऑफ स्लाइडिंग द साइड, अगर हम एक्सक्रेशन करना है कर रहे हैं तो पता चला हमें एक डेढ़ मीटर से ज़्यादा हाइट हो गई है, वो स्लाइड कर सकती है, स्लाइड ऑफ एक्सक्रेशन शैल बी स्लोप, उसको हम स्लोप में स्टेप में काटना है, हम एक मीटर से एक डेढ़ मीटर से जैसे ऊपर जाते हैं उसको स्टेप कटिंग हमें करना है पर साइड कंडीशन, साइड कंडीशन के हिसाब से। तो अभी क्या है कि इसमें कुछ मेथोलॉजी इनकम्प्लीट है, अगली वीडियो में आपको इसको नेक्स्ट पॉइंट जो बताने वाला हूँ वो अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहें, ये एक्सप्रेशन पार्ट वन है, वो एक्सप्रेशन पार्ट टू में कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा, उसकी स्टेप्स होंगी, उसमें हम ये बताएंगे आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें यूज करना है, ठीक है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।